hello everyone good evening and i welcome you on educators talk parbhani live session Today i'm going to take you the first live session on youtube and uh, i'm very thankful to all the subscribers who are supporting me even my students my uh, relatives who are consistently uh, supporting me to uh, give you the informations and uh, let me tell you that whatever information i am sharing you on this uh, platform and it is researched i am evaluating it and then only i am providing you the uh, right one so uh, here today i am going to tell you about the structure of cbse school definitely we are having a lot many schools uh, in our uh, city

और उससे पहले मैं आप सबका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और आप मेरे चैनल से कुछ ना कुछ सीख रहे हो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मेरे तरफ से कि अगर आपको और भी वीडियोस इंफॉर्मेटिव चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे ई मेल आई आप मेल कर सकते हो कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो देखिए आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ जो लाइव सेशन हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं द स्ट्रक्चर ऑफ सी बी एस स्कूल सो स्ट्रक्चर इन द सेंस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एलिमेंट्स जो होते हैं स्कूल में जिससे एक सी बी एस ई स्कूल चलता है ओके okay? तो वो एलिमेंट्स की हम बात करेंगे स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर एक uh, uh, अलग थिंग आता है जहां पे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स की बात करूँगा कि किस तरीके से एक स्कूल चलता है सीबीएसई स्कूल क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये डिमांड है मुझसे पूछते भी है कि सीबीएसई स्कूल किस तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट एक बच्चे का करता है जो कि और ये हाउ इट इज डिफर फ्रॉम स्टेट बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड से ये कैसा अलग है तो मैंने एक वीडियो अभी-अभी एक वीडियो शेयर किया है Uh, मेरे चैनल पे एजुकेटर स्टॉक पर बनी पे कि अगर आपको आपके सिटी का सीबीएसई स्कूल जानना है तो आप सरल डॉट सी बी एस सी डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आप लॉग इन करिए और वहाँ पर आपको कुछ स्टेप्स uh, फॉलो करके आप आपके सिटी का सी बी एस सी स्कूल पता कर सकते हो कि जिसको सी बी एस सी स्कूल एफिलेशन मिला हुआ है ओके तो uh, ये एक छोटी सी वीडियो मैंने अभी-अभी कुछ दिन पहले मेरे चैनल पर शेयर किए तो चलिए आपका वक्त ना लेते हुए हम शुरू करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ सीबीएसई स्कूल सो देखिए सीबीएसई स्कूल जो होता है उसे सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएशन नंबर मिलता है और ये एफिलिएशन नंबर उनको मिलता है उनके नॉर्म्स के ऊपर और जो क्राइटेरिया सीबीएसई ने स्कूल को दिया है ओके वो जो क्राइटेरिया पर कंप्लीट वर्क होता है एक स्कूल में सो so, पहले वो स्टेट बोर्ड स्कूल ही होता है लेकिन उसके बाद में जब आपको सी बी एस ई एफिलिएशन चाहिए तो सी बी एस जो भी गाइडलाइंस देता है सी बी एस के जितने भी स्ट्रेट स्ट्रेटजीज है जो टर्म्स है वो एक स्कूल को फॉलो करना होता है वो फॉलो करना होता है और फिर उसका इंस्पेक्शन होता है उसके बाद ही आपको सी बी एस आ, मिलता है लेकिन जब सी बी एस सी अपना एफिलियेसन देती है तो उसके बाद में आपको आपका स्कूल वही नॉर्म से चलाया आ, चलाना पड़ता है तो अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है तो आप सी बी एस डॉट जी ओ वी डॉट इन पर जा सकते हैं यहाँ पर एफिलिएशन बायलॉज़ दिए गए हैं वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो तो एक सी बी एस सी स्कूल के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं और उसमें कौन से स्ट्रैटेजीज़ है कौन से एलिमेंट्स है और टीचर रिक्रूटमेंट से लेकर आपके एडमिशन तक सब डिटेल्स एवरीथिंग इज गिवन इन द एफिलिएशन बायलॉज अभी 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 हाल ही में इन बायलॉज में कुछ चेंजेस भी हुए हैं लेकिन जो चेंज है वो भी न्यू बायलॉज भी आपको इसी वेबसाइट पे यानी सी बी एस ई डॉट जी ओ वी डॉट इन पर आपको इसके जो चेंजेस है वो भी आपको मिल जाएंगे तो चलिए अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में सी स्कूल के कि किसी भी स्कूल में अगर आप बात करेंगे चाहे वो सी हो और या स्टेट बोर्ड हो स्कूल में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर एक बच्चे को देखने के लिए उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज कंडक्ट किए जाते हैं okay? ओके ये एक्टिविटीज के बेस पर एकेडमिक्स हो चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो आपके बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है अब यहाँ पर मैं बोलूँगा कि कौन से एलिमेंट्स है जो कोई भी फॉलो करता है तो बेसिकली ये कुछ फॉर्मल ऐसा नहीं है कि एफिलिएशन के लिए जो कहा गया है वो तो बायलॉज में पूरा दिया गया है लेकिन इसके अलावा जब कोई भी स्कूल चलता है तो उसके अपने एक इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होते हैं ओके बायलॉज ये आपको एफिलेशन के लिए काम आएगा और जितने भी है, नॉर्म्स हैं, वो फॉलो करने पड़ते हैं गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ते हैं लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है तो इट डिफर्स ये पर्सन बाय पर्सन और कमेटी बाय कमेटी अलग होता है ओके okay? तो इसी डिपार्टमेंट से हम बात करेंगे कि चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या सी हो मैनेजमेंट अलग होता है ओके okay? तो मैं आपसे uh, आप डिस्कस करूंगा कि सी स्कूल का जो मैनेजमेंट uh, होता है जो एलिमेंट्स इसमें होते हैं वो इस तरीके से होते हैं तो कोई भी सी स्कूल जब तैयारी करता है कि उसे एफिलेशन नंबर चाहिए तो वहां पर फोर इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स की बात आती है ओके और वो डिपार्टमेंट्स ही मिलकर काम करते हैं अपने स्कूल को सी बी एस एफिलिएशन दिलाने में और आपके बच्चे को एक ओवरऑल डेवलपमेंट कराने में उसे एक ग्लोबल सिटीजन बनाने में तो चलिए इन डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आता है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दैट इज टीचिंग डिपार्टमेंट तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है टीचिंग डिपार्टमेंट अब यहां पे टीचिंग डिपार्टमेंट इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि स्कूल गिव्स यू द रिजल्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल इज द टीचिंग डिपार्टमेंट अब आप आपके बच्चे को जब स्कूल में डालते हो तो यही सोचकर डालते हो कि उसकी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए उसका रिजल्ट अच्छा होना चाहिए ईच एंड एवरी जो भी आप उसको वहाँ पर भेज रहे हो स्कूल के लिए वो हंड्रेड एंड वन परसेंट उसको मिलना चाहिए तो ये सब जो रिलेटेड है एकेडमिक्स से मैं बात कर रहा हूँ एकेडमिक्स के जहाँ पे पूरे आपके सब्जेक्ट्स आ गए जहाँ पर आपको जितने भी उसके एक्टिविटीज़ आ गए सब्जेक्ट से रिलेटेड वो फॉलो होता है वो गाइड होता है टीचिंग डिपार्टमेंट में तो यहाँ मैं टीचिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करूँ तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है यहाँ पर सबसे पहले टीचर्स का ओके सो सब्जेक्ट्स आपको पता है जितने भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे आते हैं सो so अगर मैं बात करूं सबसे पहला सब्जेक्ट जो आएगा इंग्लिश इंग्लिश है सेकंड आता है हिंदी थर्ड सब्जेक्ट मराठी ओके देन फोर्थ इज मैथमेटिक्स ओके मैथमेटिक्स देन फिफ्थ साइंस सिक्स कंप्यूटर ओके एंड सेवेंथ इज एसएसटी, अब यहां पे मराठी भी हो गया और आप इसको ऑप्शन में संस्कृत भी समझ सकते हो एट्थ आपका आ गया स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी ओके और नाइन्थ जो सब्जेक्ट्स आता है सब्जेक्ट आता है वो है आपका आर्ट एंड क्राफ्ट ओके अब ये जो सब्जेक्ट है इस पर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता है यानी बच्चे को सभी सब्जेक्ट में इंग्लिश हिंदी मराठी और संस्कृत यहाँ पे मैथमेटिक्स साइंस कंप्यूटर एस एस टी स्पोर्ट्स आर्ट एंड क्राफ्ट अभी बायोलॉजी में सब्जेक्ट्स के लिए और भी चेंजेस है जो अलग स्टेट्स होंगे उनके सब्जेक्ट अलग होंगे इन द सेंस है उस जो स्टेट रहा वहाँ का जो लैंग्वेज वहां पर आएगा यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो मराठी मैंने इसलिए इसलिए लिखा है क्योंकि हम महाराष्ट्र में है तो इसलिए यहाँ पे उनको मराठी सब्जेक्ट दिया जाता है तो ये टीचिंग डिपार्टमेंट में सब्जेक्ट एक आगे है अब ये सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपके टीचर्स होते हैं ऑल सब्जेक्ट टीचर्स यहाँ पर होते हैं जो हर एक अपना सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं और वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा आपके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं टीचर्स क्वालिफाइड इन सीबीएसई स्कूल्स लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई स्कूल्स में ही वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं स्टेट बोर्ड में भी बहुत सारे टीचर्स uh, हैं जो बहुत टैलेंटेड है और वेल well क्वालिफाइड है तो चलिए अब हम अगला जो बात करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्लासेस डिवाइड होते हैं सी बी एस ई स्कूल में तो अगर हम क्लासेस की बात करें तो यहाँ पर पहला जो ग्रुप आता है वो आता है फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड का ये जो ग्रुप आता है यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड ये दो स्टैंडर्ड ही होते हैं इसको एक ग्रुप आप पकड़ लीजिए क्योंकि इनका एज ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड ये यहाँ पे जो टीचर्स आते हैं जनरली सी बी एस ई में यहाँ पे फीमेल टीचर्स ही अलॉट किए जाते हैं ओके फर्स्ट एंड सेकंड को सिर्फ फीमेल टीचर्स ही अलॉट किए जाते हैं सीबीएसई में बिकॉज चिल्ड्रन आर वेरी अटैच्ड विद द फीमेल टीचर्स क्योंकि जब वो uh, उनका प्री प्राइमरी कंप्लीट करते हैं और जब वो फुल टाइम स्कूल में आते हैं सो दे टेक्स टू ईयर्स टू गेट द हैबिट ऑफ एंड टू अटैच विद द एनवामेंट ऑफ द स्कूल क्योंकि वो प्री प्राइम प्री प्राइमरी सिलेबस से आते हैं तो उनको यहाँ पर एक फीमेल टीचर्स ही गाइड करती है फर्स्ट और सेकंड में यहाँ से सेकंड जो ग्रुप अगर आप देखेंगे तो वो आएगा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ का ये एक ग्रुप आता है क्लासेस का जहां पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं वो एक ग्रुप में यहाँ पे आप सी में उसको Uh, समझ सकते हो नेक्स्ट जो ग्रुप डिवाइड किया गया है वो है सिक्स सेवेंथ एट। अब ये जो मैं बता रहा हूं आपको ये जो ग्रुप है ये मैनेजमेंट का हिस्सा है नाइन एंड टेन ओके इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है क्योंकि ये प्रॉपरली गाइड किया जाए प्रॉपरली मेंटेन होता है और यहाँ पे जो एक्टिविटीज होते हैं बच्चों को उसमें डिवाइड किया जाता है ये एक स्ट्रैटेजीज़ है मैनेजमेंट की दूसरे स्कूल में अलग भी हो सकता है कहीं पर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स भी होगा सो so ये डिपेंड करता है लेकिन मेरे एक्सपीरियंस मैंने जहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर वर्क किया है तो यही है कि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट या तीसरा ग्रुप हो गया और नाइन टेन टेन नाउ एज पर दिस बाइफर्केशन ऑफ द क्लासेस अभी ये क्लासेस के जो डिवीजन है इस पर ही हम uh, जो है यहाँ पर टीम बनती है अब ओवरऑल हमने देखा कि जो टेन हमारे सब्जेक्ट्स है इंग्लिश मैथ साइंस एस एस स्पोर्ट्स आर्ट्स ये जितने भी आपके uh, हमारे हैं वो ये फर्स्ट टू टेंथ तक के क्लासेस में डिवाइड है एज ए सब्जेक्ट और इन्हीं टीचर्स में से कुछ क्लास टीचर्स भी दिए गए तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो हैरारकी होती है सीनियरिटी की स्कूल के अंदर तो वो डिपेंड करती है तो फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप जब फर्स्ट एंड सेकंड्स के टीचर जब कोलेबरेटिवली वर्क करते हैं तो वहाँ पर मैनेज के लिए पहला जो आता है वो आता है हेड टीचर उसको कहेंगे आप हेड टीचर ओके फर्स्ट एंड सेकंड पर और जो प्राइमरी पर जो टीचर्स आते हैं उनके लिए जो हैरारकी में सुपरविजन के लिए दिया गया है वो है प्राइमरी कोऑर्डिनेटर ओके okay, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि टीचर की जो सीनियरिटी रहती है उसके डिपेंड पर वो कैसे एक दूसरे को आ, सिखाते हैं और उनको सुपरवाइज करते हैं उसके बाद में यहाँ पर आएगा मिडल कोऑर्डिनेटर यानी प्राइमरी कोऑर्डिनेटर के बाद जो हायर क्लासेस है उसको जो सुपरवाइज करता है वो है मिडल कोऑर्डिनेटर ओके इसके ऊपर वाले जो क्लासेस हमने देखे हैं वहां पे सीनियर कोऑर्डिनेटर है जो वहां के टीचर्स को गाइड है ओके ऑल सब्जेक्ट टीचर्स को वहां पे गाइड करता है वो आ गया यहां पे सीनियर कोऑर्डिनेटर देन अगला जो आता है सीनियर कोऑर्डिनेटर से वो आता है वाइस प्रिंसिपल तो आप ये हैरारगी को समझिए अब यहाँ पे मैं ये इसलिए आपको डिटेल में बता रहा हूँ तो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो न्यूली अभी पास आउट हुए हैं डी एड एड जो अभी उन्होंने पास किया है और वो चाहते हैं कि सी बी एस सी स्कूल में वर्क करना है तो एक सी बी एस ई स्कूल में वर्क करने से पहले अगर आपको वहाँ का स्ट्रक्चर एक एलिमेंट समझ में आए तो आप आपका हंड्रेड एंड वन परसेंट वहाँ पर दे सकते हो और आप समझ सकते हो कि आपको कौन से पोजीशन पे जाना है ओके सो so ये हेड टीचर जो है ये पहले एक एज ए लीडर आप बोल सकते हो वर्क करता है बहुत सारे स्कूल में इसको लीड टीचर भी कहा जाता है ये भी चेंज होता है ये आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इन को एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स कहा जाता है, ओके? तो सीबीएसई स्कूल में यहाँ पर तो मैंने प्राइमरी, मिडिल, सीनियर लिखा है, लेकिन इनको एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं, बिकॉज़ दे सुपरवाइज अदर टीचर्स, वो दूसरे टीचर्स को सुपरवाइज करते हैं, और एकेडमिक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं एकेडमिक्स में रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल एकेडमिक्स का जितना भी भार होता है हर एक क्लास का वो इन्हीं के ऊपर होता है अब जैसे हेड टीचर का जो वर्क होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड के टीचर्स को सुपरवाइज करते हैं हेड टीचर्स का जो वर्क होता है वो फर्स्ट एंड टीचर्स को सुपरवाइज करते हैं प्राइमरी कोऑर्डिनेटर ये थर्ड फोर्थ और फिफ्थ को सुपरवाइज करता है यहां जो टीचर्स वर्क करते हैं इनकी टीम के ऊपर प्राइमरी कोऑर्डिनेटर वर्क करता है ताकि आपके बच्चे को सही एजुकेशन दिया से जा सके और उसके रिजल्ट में क्या कमी है और उसके रिजल्ट को किस तरीके से बढ़ाना है ये प्राइमरी कोऑर्डिनेटर थर्ड फोर्थ फिफ्थ टीचर्स के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके आपको एकेडमिक्स का रिजल्ट देता है यहाँ पे मिडल के लिए अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे सिक्स सेवन एट यह मिडिल कोऑर्डिनेटर यहाँ पर इन टीचर्स को गाइड करता है और सुपरवाइज करता है सीनियर कोऑर्डिनेटर का काम होता है नाइन और टेन अब ये डिपेंड भी करता है कि कोई स्कूल यहाँ पर एट नाइन टेंथ भी सीनियर कोऑर्डिनेटर को देता है एक अपने टीचर्स uh, को गाइड करने के लिए और ओवरऑल ये जो है इनको सुपरवाइज करने वाले जो है वो होते हैं वाइस प्रिंसिपल जो इन कोऑर्डिनेटर्स को गाइड करते हैं और टीचर्स को गाइड करते हैं सो ईच एंड एवरी वन हैज देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक कोऑर्डिनेटर का हर एक टीचर का अपना एक रोल होता है बच्चे के डेवलपमेंट में ओके okay? तो ये जो स्ट्रक्चर में बता रहा हूं तो नए टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है समझने के लिए कि जब आप किसी सी बी एस ई स्कूल में जाते हो सो यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपको कहाँ जाना है जब आप एज ए टीचर ज्वाइन करते हो तो आप यहाँ पर टीचर ही रहोगे लेकिन जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा जैसा आप काम करोगे वैसा ही आपको डिजिग्नेशन मिलेंगे तो ये डिजिग्नेशन स्कूल टीचर्स लीड हेड टीचर्स सो डिफर करता है अलग अलग सीबीएसई स्कूल में कि किस तरीके से uh, उनको ये डिजिग्नेशन के नाम दिए गए अब यहाँ पर मैं बात करूँ कि ओवरऑल ये जो सुपरविजन टीम है इसको जो गाइड करते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल ओके वो गाइड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल सो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये जो एलिमेंट्स है एक एकेडमिक टीचिंग डिपार्टमेंट का उसको जो गाइड करते हैं वो गाइड करते हैं प्रिंसिपल सो ये जो सुपरविजन टीम है इसमें आपके पूरे स्कूल टीचर्स इनके अंडर में आते हैं तो ओवरऑल वही स्कूल टीचर्स में से आपको ये डिजिग्नेशन मिलती है So, यहां पर अब जो टीचिंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि फर्स्ट इज वॉट कंप्लीटिंग सिलेबस टीचिंग एंड कंप्लीटिंग द सिलेबस इन टाइम ओके फिर आपका टीचिंग टीचिंग तो है ही टीचिंग तो करना ही है पूरे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाना ही है देन एग्जाम कंडक्शन एग्जाम होते हैं देन टेस्ट्स ओके एंड अरेंजमेंट ऑफ अदर इवेंट्स सो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो इस डिपार्टमेंट में आती है टीचिंग डिपार्टमेंट में और जो मैंने आपको हैरार की बताई है आ, लीडर्स की सो so, इनके साथ मिलकर टीचर्स मिलकर ये ओवरऑल टीचर टीचिंग डिपार्टमेंट पूरा वर्क करता है एक सी सी स्कूल के एकेडमिक्स को ऊपर बढ़ाने में ओके, सो चलिए अभी दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहां पे द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इज देयर दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ओके सेकेंड जो डिपार्टमेंट आता है वो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट फ्रॉम द नेम ओनली वी कैन अंडरस्टैंड हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये शासकीय है ओके ये सब देख रेख करते हैं पूरे स्कूल का जितना भी स्कूल का मेंटेनेंस जाएगा अपार्ट फ्रॉम टीचिंग यानी कि इसको आप समझ लीजिए नॉन टीचिंग नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं इसको दूसरे स्कूल में हम कहेंगे नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट ओके अभी नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट जो हो गया इनका वर्क और ये भी एक इम्पॉर्टेंट है डिपार्टमेंट है किसी भी स्कूल का जिसके अंडर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ स्कूल के होते जिसके अंडर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते तो so, अभी जो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है इनका काम है अदर एक्टिविटीज़ स्कूल के संभालना Okay. यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि जो न्यू uh, टीचर्स है जो अभी डी एड हुए हैं बी एड हुए हैं वॉट एवर यू हैव लर्न इन द सिलेबस यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और स्कूल मैनेजमेंट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट और उनके जो अदर सब्जेक्ट्स है जैसे इवेल्यूशन एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे आर देयर बट जब प्रैक्टिकल वर्क है सो मैनेजमेंट डिफर करता है मीन्स आई हैव वर्कड अंडर फोर टू फाइव डिफरेंट प्रिंसिपल्स और uh, हर सी बी स्कूल में uh, जो प्रिंसिपल है उनकी स्ट्रेटी उनके ऊपर डिपेंड होती है लेकिन जो मैनेजमेंट uh, लाइन है वो सेम ही होती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसा करना है वो हर प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है तो मैंने ऐसे चार से पाँच प्रिंसिपल के साथ काम किया है तो uh, सबका अलग अलग स्टाइल होता है लीडरशिप हैविंग डिफरेंट स्टाइल्स लेकिन रिजल्ट एक ही आता है ओके, okay? so, ये नए टीचर्स को ध्यान रखना है कि आप जब किसी स्कूल में ज्वाइन करोगे चाहे वो सी हो या फिर स्टेट बोर्ड लेकिन वहां पे आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट एंड नाउ वी नीड एजुकेशन लीडर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओके तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे एंड क्लरिकॉन टीचिंग स्टाफ में अकाउंटिंग और क्लरिकल वर्क सबसे पहले आता है और जो ऑल अकाउंट वर्क जो होता है इवन अ सिंगल डस्टर और पेन जो स्कूल को लगता है वो सब नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से ही मिलता है चाहे एक छोटा सा पेन क्यों ना हो और बड़े से बड़ा टीवी एल सी डी टीवी क्यों ना हो वो हमें सिर्फ नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से ही मिलता है ओके सो अदर जो वर्क यहाँ पे नॉन टीचिंग के आते हैं उसमें है लाइब्रेरी <coughs> अभी लाइब्रेरी जो है स्कूल की इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस तो लाइब्रेरी जुड़ा हुआ है एकेडेमिक्स से ही लेकिन लाइब्रेरी नॉन टीचिंग में ही आता है जहां पर जो इसका मेंटेनेंस हो गया बुक्स हो गए और ओवरऑल जितने भी एक्टिविटीज लाइब्रेरी के थ्रू स्कूल में होते हैं वो सब नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में ही आता है सो so, अगला हमारा जो इसमें है वो है क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस मेंटेनेंस ओके अब क्लीनिंग हाइजीन आई कैन से दैट हेल्थ एंड हाइजीन सो so क्लीनिंग जो है ओवरऑल स्कूल का इवन सी बी एस ई बायलॉज में भी क्लीनिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है इवन वाटर ड्रिंकिंग फैसिलिटी से लेकर फायर मॉक ड्रिल तक सब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अरेंज पूरा नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट ही करता है सो so अगर आप ए छोटा सा जो बायलॉज है ये अगर आप पढ़ते हो जो नए टीचर्स है जो सी बी एस ई स्कूल में काम करना चाहते हैं तो आप पहले बायलॉज एक बार पढ़ लीजिए एफिलेशन बायलॉज तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्लीट वर्क जो है सी बी एस ई स्कूल में किस तरीके से होता है तो यहाँ पर देखिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये इनका वर्क आ गया इसके बाद जो आता है कि अगर स्कूल कोई भी स्कूल अगर बच्चों को अपनी तरफ से यानी कि स्कूल के वैन है या स्कूल का बस है अपनी तरफ से ट्रांसपोर्टेशन देता है तो वो भी नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट ही उसको रेगुलेट करता है गाइड करता है ओके तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वैन हो गया या फिर बस हो गए ये भी जो मेंटेनेंस है वो नॉन टीचिंग स्टाफ ही करता है वैसे तो प्राइवेट वैन बहुत सारे होते हैं लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो खुद की बस रखते हैं और खुद का वैन रखते हैं तो वो भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है वो ही ट्रांसपोर्टेशन को देखता है ओके okay? इसके अलावा जो वर्क है यहाँ पर नॉन टीचिंग का वहां पर है फीस कलेक्शन एंड सैलरीज ओके फीस कलेक्शन एंड सैलरीज अब ये फीस कलेक्शन और सैलरीज जो है ये भी आपके स्कूल का जो डिपार्टमेंट नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट है उसका ही काम यहाँ पर है कि कंप्लीट फीस कलेक्शन एक एक बच्चे की जो फ़ीस कलेक्शन का काम होता है वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट ही करता है इसमें कोई भी एकेडमिक पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता है कोई टीचर इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है जो हमने इससे पहले टीचिंग डिपार्टमेंट के रोल्स देखे हैं जो सुपरविज़न एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स हमने देखे हैं सुपरवाइजर्स हमने देखे है वो इस वर्क में काम नहीं करते हैं वो सिर्फ टीचिंग डिपार्टमेंट और एकेडमिक्स में ही काम करते हैं लेकिन इसके जो नॉन uh, टीचिंग में जो वर्क uh, करते हैं इनका डिपार्टमेंट अलग होता है ओके सो फीस कलेक्शन एंड सैलरीज ये भी नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट में ही आता है और यही लोग इस वर्क पे काम करते हैं लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट के टीचर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में टीचर्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है ओके okay? ये पूरा स्टाफ अलग होता है अगला जो वर्क अगर हम यह, यहाँ पर देखेंगे तो वो हो गया क्लास फोर्थ सुपरविजन यानी क्लास फोर के क्लीनिंग uh, स्टाफ हो गया क्लास फोर सुपरविजन अगर आप कहेंगे तो यहाँ पर uh, आपका क्लीनिंग स्टाफ आ गया गार्डनर आ गया ओके डाइवर्स आ, आ गए ये जितने भी है इनका सुपरविजन इनका सुपरविजन सिर्फ और सिर्फ नॉचिंग डिपार्टमेंट ही करता है तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इतना वर्क है और भी अदर जो थिंग्स है यानी कि अदर एक्टिविटीज़ जो होते हैं सी स्कूल में अगर कोई इवेंट्स हम बाहर कर रहे हैं कुछ रोड शोज हम कर रहे हैं या फिर लोकल बॉडी uh, से कुछ आपको प्रोग्राम uh, रखना है ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स रखना है या अदर अवेयरनेस प्रोग्राम्स रखने हैं तो ये सब जो काम बाहर सिटी uh, के जो वर्क होते हैं विद द परमिशन ऑफ द कलेक्टर और द मेयर तो और म्यूनसिपल कमिश्नर तो इनके परमिशन से भी जितना भी वर्क होता है ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट ही करता है तो अब यहां पर बात आती है हेड तो है वो कौन होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं उन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कहते हैं ओके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ओके अब ये सुपरवाइजर भी इसको कह सकते हैं आप सुपरवाइजर भी इसको कह सकते हैं यानी स्कूल सुपरवाइजर भी इसको कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर uh, भी इसको कह सकते हैं और ये वर्क करते हैं अंडर प्रिंसिपल ठीक है तो सीबीएसई स्कूल में अगर आप देखेंगे कि दोनों भी जो डिपार्टमेंट है उसके जो मेन हेड है किंग ऑफ द स्कूल है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ही होते हैं तो पहले हमने टीचिंग डिपार्टमेंट का देखा और इसके बाद में दूसरा जो वर्क हमने देखा सीबीएसई स्कूल में वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अब थर्ड जो डिपार्टमेंट आता है विच इज अगेन रिलेटेड विद द चिल्ड्रन एंड अदर एक्टिविटीज वो आता है आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओके स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज थर्ड डिपार्टमेंट इन एनी स्कूल अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के जो हेड हो गए वो हो गए सीनियर स्पोर्ट्स टीचर ओके सीनियर स्पोर्ट्स टीचर ऑफ स्कूल ये आपके हेड हो गए ओके ये हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हो गया स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो सुपरवाइज़ करते हैं वो होते हैं सीनियर स्पोर्ट्स टीचर तो अगर आप किसी सी बी स्कूल में चार या पाँच स्पोर्ट्स टीचर होते हैं सो तो उसमें से जो सीनियर है जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं दूसरों को लेकर चल सकते हैं उनको आगे बढ़ाने की क्षमता रखते हैं तो वो यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड होते हैं उनको ये डेजिग्नेशन दिया जाता है अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो काम होता है वो होता है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कंडक्ट कर ओके अब स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो होते हैं सो बहुत सारे स्पोर्ट्स है जिसमें से स्कूल पर डिपेंड होता है विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन वो तय करते हैं कि आपके कौन से स्पोर्ट्स रखने हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैनेजमेंट के हाथ में ही होता है कि कौन से स्पोर्ट्स हमें रखना है और अदर एक्टिविटीज़ कौन से रखना है तो यहाँ पर जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो भी होती है स्कूल में वीकली होती है मंथली होती है क्वार्टरली होती है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अंडर में ही होती है और इसके जो हेड होते हैं वो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं अगला जो इसमें आता है वो स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी कि मंथली स्पोर्ट्स इवेंट्स कंडक्ट करना अभी अगर आप देखेंगे कि फ़िट इंडिया मूवमेंट फ़िट इंडिया मूवमेंट था और इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे फिटनेस uh, के इवेंट्स uh, आए हैं तो वो स्कूल्स में जब कंडक्ट होते हैं तो वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करता है ओके सो डिफरेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी कभी मंथली होते हैं कभी क्वार्टरली होते हैं तो ये स्पोर्ट्स इवेंट भी कौन कंडक्ट करता है स्पोर्ट्स डि पॉइंट ओके नेक्स्ट जो वर्ड वर्क आता है इसका वो आता है हेल्थ एंड डिसिप्लिन ओके हेल्थ एंड डिसिप्लिन अब हेल्थ और डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल ये इन एसोसिएशन विथ एकेडमिक टीचर्स अब यहां पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि डिसिप्लिन की जब बात आती है तो यहां पे टीचर्स इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि और उससे जरूरी होते हैं क्लास टीचर्स क्योंकि क्लास टीचर्स के पास हर एक बच्चे का रिकॉर्ड होता है तो जब हेल्थ और डिसिप्लिन की बात आती है तो एकेडमिक डिपार्टमेंट यानी कि टीचर्स और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मिलकर इस पर काम करते हैं हेल्थ एंड डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल वो यानी कि आपके टीचर्स क्लास टीचर्स और स्पोर्ट्स टीचर हेड ऑफ द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ये मिलकर एक सीबीएसई स्कूल में हेल्थ और डिसिप्लिन के ऊपर काम करते यानी कि जितने भी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं बच्चों के इवन टीचर्स के और हेल्थ इश्यूज है ये सब जो है एरेडिकेट करते हैं इसके ऊपर वर्क करते हैं वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और क्लास टीचर्स मिलकर इसके ऊपर काम होते अगला जो वर्क होता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का वो होता है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, कंडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। अब यहां पे भी जो स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है वहां टूर्नामेंट एंड नेशनल टूर्नामेंट, ओके इन स्पाइट ऑफ इसके बावजूद के स्कूल में जो एक्टिविटीज होते हैं वो तो मंथली एक्टिविटीज क्वार्टरली एक्टिविटीज वीकली uh, एक्टिविटीज़ होते ही है डिपेंड करता है स्कूल पर कि आप कैसे लेंगे लेकिन इसके अलावा भी डिस्ट्रिक्ट के जो टूर्नामेंट्स होते हैं स्टेट टूर्नामेंट्स होते हैं और नेशनल जो भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते हैं वो भी जो है बच्चों को लेकर जाना उसमें उनको पार्टिसिपेट uh, कराना ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की होती है सो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट प्लेज ए वाइटल रोल इन सी बी एस ई स्कूल टू मेनटेन द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल अलॉन्ग विथ क्लास टीचर्स यानी कि यहाँ पर टीचिंग डिपार्टमेंट को स्पोर्ट्स uh, डिपार्टमेंट से साथ मिलकर स्कूल का हेल्थ हाइजीन और डिसिप्लिन पर काम करना होता है सी बी एस स्कूल में ओके okay? सो so, ये हो गया आपका थर्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द स्कूल वो है स्पोर्ट्स डे ओके वो मैं भूल गया कि स्पोर्ट्स डे जो होता है वो एन्युअल स्पोर्ट्स डे कंडक्शन एन्युअल स्पोर्ट्स डे कंडक्शन ओके एन्युअल स्पोर्ट्स डे कंडक्शन जो है वो भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही करता है कंप्लीट प्लानिंग विथ द डिटेल्ड एजेंडा ओके okay, जो भी स्पोर्ट्स डे का एजेंडा होगा जो कंप्लीट प्लानिंग होगी वो स्पोर्ट sport, आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही करता है जो हम आ, साल भर जो एक्टिविटीज हमारी होती है जितने भी टूर्नामेंट स्कूल में होते हैं जितने भी आ, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जीता है स्टेट में हमने जीते नेशनल में जीते जितने भी बच्चे हैं जितने भी चैंपियंस हम होते हैं वो सब यहाँ पर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ही रिकॉर्ड देखता है और उसके बाद में जब लास्ट में हमारा जो एस सी स्कूल में जो स्पोर्ट्स डे होता है तो ओवरऑल इस ये साल भर की जो एक्टिविटीज स्पोर्ट्स के इसी के बेस पर हम यहाँ पर उनको एप्रिसिएशन देते हैं सर्टिफिकेट्स देते हैं दे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज दैट के अब पूरा जो स्कूल जितने भी बच्चे है इनको कंप्लीट सी बी एस ई स्कूल जितने भी बच्चे अगर अब समझ ली समझ लीजिए कि एक स्कूल में फाइव हंड्रेड स्कूल फाइव हंड्रेड बच्चे ओके okay? एक फाइव हंड्रेड स्टूडेंट्स है तो ये फाइव हंड्रेड स्टूडेंट को इक्वली फोर हाउसेस में डिवाइड करना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का काम होता है ओके okay. ओके, okay. यहां पर क्या है कि अगर एक स्कूल में सी बी एस ई स्कूल में अगर पांच सौ बच्चे है तो ये जो एन्यूअल स्पोर्ट्स एन्यूअल स्पोर्ट्स जे डे जो होता है ओके okay. अभी यहां पर आ, जो स्पोर्ट्स टीचर है अगर वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनको मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स आ, टीचर का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का जो वर्क है हमने अभी डिस्कस किया उसमें बहुत जरूरी है कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको चार हाउसेज में इक्वली डिवाइड किया जाता है ओके उनको चार हाउसेज में डिया डिवाइड किया जाता है और ये जो हाउसेज है समझ लीजिए मैं यहाँ पर पहले हाउस का नाम दूंगा रेड हाउस तीसरे हाउस का मैं नाम दूंगा ब्लू हाउस ओके okay, और चौथे चौथे का मैं नाम दूंगा ग्रीन हाउस सो so, ऐसे हर स्कूल में अलग अलग नाम होते हैं हाउसेस के अगर आ, आप देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल्स है वहाँ पे वो अपने स्ट्रेटजी से अपने स्कूल को अपने हाउसेस को अलग अलग नाम देते हैं तो ये फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ तो यहाँ पर रेड येलो ब्लू ग्रीन ओके okay? ये हाउसेस के नाम है तो ये जो 500 बच्चे हैं, ये हर एक हाउसेज uh, में इक्वली डिवाइड होते हैं और ईयरली इनके जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओके सो जो स्पोर्ट्स टीचर बनना चाहते हैं सी सीबीएसई स्कूल में वो समझें कि ईयरली वो इनके कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्पोर्ट्स के उसके बेस पे ही बाद में इनके जो हाउसेज है वो यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स डे में कम्पीट करते हैं एक दूसरे को कंपीट करते हैं और आफ्टर दैट इसमें से ही एक ओके okay, ये चार हाउसेस में से दो हाउसेस यहां पर चुने जाते ओके okay? जो कि पहला चैंपियन होता है और रनर अप तो यहां पर दो हाउसेस जो है एनुअल स्पोर्ट्स डे में चुने जाते हैं ओके फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन लेकिन उसके लिए ओवरऑल हमने इससे पहले जितने भी एक्टिविटीज देखी है वो पूरे एक्टिविटीज में हाउसेस को एक दूसरे से कंपीट करना पड़ता है तो उनके कंप्लीट मार्किंग जो होती है साल भर उसका रिकॉर्ड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास होता है और जब एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है तो एट द टाइम ऑफ एनुअल स्पोर्ट्स डे लास्ट इवेंट लास्ट कॉम्पिटिशन होते हैं और उसके बेस पर जब पूरे काउंटिंग पूरे मार्क्स के काउंटिंग के बाद ही एक हाउस चैंपियन यहां पर बनता है ये हर सी बी एस ई स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ओके सो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट यहाँ पर कंडक्ट uh, ओवरऑल पूरे एक्टिविटीज कंडक्ट करने के बाद जब लास्ट में एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है तो इसमें से एक चैंपियन हाउस और एक रनर हाउस होता है तो ये ओवरऑल जितने भी एक्टिविटीज आ गए ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का ही वर्क है ओके okay? चलिए अभी अगला जो हमारा डिपार्टमेंट है सी में वो आएगा आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट द फोर्थ डिपार्टमेंट इज आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट ओके आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट नाउ फ्रॉम एक्टिविटीज so, uh, स्कूल में होते हैं रिलेटेड हो गया अगर दो या तीन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर स्कूल में है सो दे बिकम द पार्ट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट सो आर्ट एंड क्राफ्ट का वो सेम वीकली कॉम्पिटिशन होते हैं वीकली एक्टिविटीज होती है ओके मंथली एक्टिविटीज होती है ओके मंथली एक्टिविटीज क्वार्टरली एक्टिविटीज होती है ओके okay, और इवेंट्स होते हैं डिफरेंट इवेंट्स कंडक्ट होते हैं इवन फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है ओके okay, सो so, uh, ये जितने भी इवेंट्स हो गए ये फेस्टिवल्स हो गए वीकली एक्टिविटीज मंथली एक्टिविटीज ये सब जो है आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट करता है इसके अलावा ओके okay, जो डांस टीचर है हमारे डांस टीचर आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर म्यूजिक टीचर ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा होते हैं विच इज विच आर कंडक्टिंग डांस म्यूजिक ओके ड्रामा स्किट ओके शोज डिफरेंट शोज रोड शोज भी आप कह सकते हैं इवेंट्स कह सकते हैं सो so ये जितने भी सी बी एस ई स्कूल में जो आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड हो गए ये एक्टिविटीज ये म्यूजिक टीचर डांस टीचर ओके ये मिलकर आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट में ये वर्क करते हैं कौन से आ गए डांस आ गया म्यूजिक ड्रामा स्कीट शोज ये साल भर इनके एक्टिविटीज कंडक्ट uh, करते हैं हर एक बच्चे यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसमें से कुछ जो एक्टिविटीज होती है वो हाउस वाइज भी होती है ओके okay? जो हमने अभी देखा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो चार हाउसेज है उनके लिए भी आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्रामास के पॉइंट्स uh, उनको भी मिलते हैं अगर चैंपियन uh, बनने के लिए साल में एनुअल डे पर सॉरी एनुअल स्पोर्ट्स डे पर चैंपियन बनने के लिए अभी अगला जो इनका जो वर्क है इस डिपार्टमेंट में वो है कल्चरल इवेंट्स जितने भी कल्चरल इवेंट्स साल भर में होते हैं वो आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करता है ओके इसमें फेस्टिवल्स हो गए आपके देन अगेन द बर्थडेज जितने भी uh, हमारे लीडर्स uh, हैं उनके बर्थडेज आ गए साइंटिस्ट uh, के बर्थडेज आ गए इवन अदर एक्टिविटीज आ गए वो सब कल्चरल इवेंट्स जो है जितने भी कल्चरल इवेंट्स साल भर में होते हैं हाउस वाइज और इंडिविजुअल तो आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट ही इसको एग्जीक्यूट करता है ओके okay? सो so, ये इनका ओवरऑल वर्क होता है तो so, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर बनना है या डांस टीचर आप हो और आप सी स्कूल ज्वाइन करेंगे तो ये आपको मालूम होना जरूरी है कि आप एक आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा होंगे जहाँ पर ये एक्टिविटीज़ आपके स्कूल में आपको कंडक्ट करना है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ नॉट अ पार्ट बट ये को करिकुलर एक्टिविटीज में ही आ जाएगा ओके सो यहाँ पर जो साल भर तक ये जो एक्टिविटीज आपके होते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट में जहाँ पर बच्चे ईच एंड एवरीथिंग जो सीखते हैं डांस में म्यूजिक में आ, देन फिर आर्ट एंड क्राफ्ट में ये जितना भी सीखते हैं और लास्ट का जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो इवेंट होता है वो होता है एन्यूअल डे ओके सो एनुअल डे में क्या होता है कि जितने भी हमने साल भर की जो एक्टिविटीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट ने किया है यानी डांसेस में किया है ओके okay? और सिंगिंग uh, में किया है जितने भी सिंगिंग uh, हुए है डांस हुए है देन ड्रामाज उन्होंने सीखा है साल भर में जितने भी स्कीट्स हुए हैं ओके okay? ये एक इनका प्रैक्टिस होता है जिसका एग्जीक्यूशन जो है आपको एनुअल डे में देखने को मिलता है सो एनुअल डे इज़ नॉट ओनली दैट साल भर जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो एक्टिविटीज़ पर वर्क हो रहे हैं वो बच्चे के टैलेंट पर बच्चे के स्किल्स में साल भर एक्टिविटीज़ जो हमारे टीचर्स लेते हैं जो मेहनत कराते हैं बच्चों से उसका रिजल्ट आपको एनुअल डे में मिलता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एनुअल डे जब आप देखते हो तो वहां पे हर एक बच्चे का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि साल भर वो मेहनत करता है एक एक एक्टिविटी पर और उसकी जो स्किल है वो डेवलप होती है और 10 से 15 दिन ओके okay, ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह दिन या फिर बीस दिन जो एनुअल डे की प्रैक्टिस चलती है तो ये जो स्किल्स उसमें डेवलप हुए हैं उसका जो रिजल्ट रहता है वो इस पंद्रह से बीस दिन के आपके प्रैक्टिस में हमको दिखाई देता है ओके okay, लेकिन जो एक्टिविटीज हुए हैं वो साल भर चलते हैं अंडर आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट और उसके बाद ही सीबीएसई स्कूल का जो मेगा इवेंट होता है वो कंडक्ट होता है जो एनुअल डे है लेकिन एनुअल डे ऐसा ही नहीं होता उसके पीछे साल भर की मेहनत होती है हर एक स्किल पर ध्यान दिया जाता है और फिर एक दस से पंद्रह दिन या बीस दिन ज्यादा से ज्यादा 20 दिन की मेहनत के बाद आपको एक बहुत ही मेगा इवेंट एनुअल डे दे देखने को मिलता है उसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की ही मेहनत होती है सो तो ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का वर्क है आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट है सो तो हमने जो डिपार्टमेंट्स देखे हैं ये सी बी एक एलिमेंट है सो so, uh, देखिए ये एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजीस है हर स्कूल में ये डिफर होगा और uh, हर स्कूल में और भी डिपार्टमेंट्स uh, होंगे लेकिन किसी भी स्कूल में सीबीएसई स्कूल में ये चार डिपार्टमेंट होना बहुत इम्पोर्टेंट uh, है सो so, पहला हमने जो डिस्कस किया था uh, वो है टीचिंग डिपार्टमेंट ओके टीचिंग डिपार्टमेंट हमने डिस्कस uh, किया ओके okay. सेकंड जो डिपार्टमेंट हमारा आया वो नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ओके तो मैं यहाँ पर नॉन टीचिंग लिखता हूँ नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट ओके उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं इसको थर्ड uh, जो डिपार्टमेंट हमारा आता है वो है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ओके और अगला जो डिपार्टमेंट है वो है आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट तो सी बी एस ई स्कूल में ये जो डिपार्टमेंट है ये अपनी अपनी जगह पर अपना वर्क करते हैं लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सभी टीचर्स इस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल से लेकर तो लास्ट आर्ट एंड क्राफ्ट यानी कि डांस टीचर और लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स लाइब्रेरियन स्पोर्ट्स टीचर आपका म्यूजिक टीचर हर एक पर्सन इसमें इन्वॉल्व होता है आपके बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट देने के लिए आपके बच्चे को सही पढ़ाने के लिए उसको एक ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए हर एक पर्सन अपनी अपनी जगह पर मेहनत करता है दैट ओनली गिव्स यू द हंड्रेड परसेंट रिजल्ट ऑफ योर चाइल्ड और जो ओवरऑल पर्सनैलिटी आपके बच्चे की बनती है वो यही डिपार्टमेंट्स जो सब मिलकर एक स्कूल में सी बी एस ई स्कूल में काम करते हैं और आपको उसका रिजल्ट मिलता है सो दैट इज वाई द चाइल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल सिटीजन और यही सी बी एस ई स्कूल भी कहता है सो so, uh, यहाँ पर uh, मैं आपसे यही कहूँगा कि देखिए अगर ये जो डिपार्टमेंट्स uh, है ओके okay, ये डिपार्टमेंट जो भी काम करता है जितना भी इसको गाइडेंस uh, मिलता है इनके स्ट्रेटजीज बनते हैं uh, इनका मैनेजमेंट होता है जितने भी कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है एवरीथिंग इज अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑफ द स्कूल ओके सो ये ओवरऑल जितने भी एक्टिविटीज होते हैं इस डिपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं टीचिंग डिपार्टमेंट नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट डिपार्टमेंट इनको कंप्लीट सुपरविजन कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट आप बोलेंगे रिजल्ट जो मिलता है ये सबको वो सिर्फ प्रिंसिपल से ही मिलता है दैट इज़ वाई ही इज़ द किंग ऑफ द स्कूल जो भी स्कूल में अच्छा होता है वो सिर्फ प्रिंसिपल के वजह से ही होता है और जहाँ पर भी एक थोड़ा सा लूप होल आता है तो उस पर प्रिंसिपल वर्क करना शुरू कर देते हैं तो अच्छे से अच्छा जो भी आप देखेंगे सी बी एस स्कूल में वो सब और सब प्रिंसिपल के सुपरविजन में और प्रिंसिपल के गाइडेंस में ही होता है लूप होल्स आते हैं लेकिन उसके ऊपर भी एक आ, आप बोलेंगे कि वर्क होता है कि उसको किस तरीके से हटाया जाए लेकिन ओवरऑल ये सब जो कंट्रोल में होते हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल के कंट्रोल में होते हैं सो so, जो नए टीचर्स अभी बनने जा रहे हैं और जो अभी सी बी एस ई स्कूल में जाएंगे टीचर बनेंगे सो आई विल टेल देम दैट इफ़ यू वॉन्ट टू बी ए प्रिंसिपल तो आपको ये सब समझना है ये सब सीखना है और भी बहुत सारे uh, चीज़ें हैं जो इससे थोड़े हटके हमने सिर्फ आज डिस्कस किया है एलिमेंट्स ओके कि सी बी स्कूल में होता क्या है इसमें डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं और वो वर्क किस तरीके से करते हैं सो so, हर डिपार्टमेंट के हर एक पर्सन का अपना अपना काम होता है जो उसको करना होता है तभी वो जो स्कूल है एक वेल डेवलप्ड स्कूल बनता है जहाँ पर आपको कंप्लीट रिजल्ट मिलता है इन चार डिपार्टमेंट्स है दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टमेंट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स अब हर डिपार्टमेंट का uh, जो रोल हमने डिस्कस किया मैं उसको ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगा लेकिन uh, जो इसमें टीचर्स के रोल है ओवरऑल पूरे टीचर्स इन्वॉल्व है उनको सुपरविजन सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल से मिलता है सो so, जो भी गाइडेंस है वो सिर्फ प्रिंसिपल ही देते हैं सो so, इस वीडियो में मेरी कोशिश आज के इस सेशन में मेरी कोशिश यही थी कि पेरेंट्स uh, को और नए जो टीचर्स बनने जा रहे हैं जिन्होंने uh, uh, जिन जो एस्पायर है टीचिंग में आने के लिए सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने के लिए सीबी स्कूल सीबीएसई uh, स्कूल को uh, एक दूसरे लेवल पर लेके जाने के लिए तो उनके लिए एक ये छोटा सा मैंने सेशन रखा है कि गाइडेंस आप समझ लीजिए और uh, कोशिश करिए कि आप इसमें अच्छे से अच्छा कर सके बिकॉज स्कूल इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी सो वट एवर यू वर्क इन द स्कूल इट रिफ्लेक्ट्स ओके सो आप जो भी अच्छा काम करोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा सोसाइटी में सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई होप आपने जो भी इस सेशन से सीखा होगा समझा होगा एज ए टीचर आप उसको इंप्लीमेंट करने की आपके स्कूल में कोशिश करोगे और इसमें अगर कुछ Uh, आज के सेशन में कुछ अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए होंगे कुछ अगर टेक्निकल ग्लीच होंगे सो उसके ऊपर मैं वर्क uh, करूँगा uh, क्योंकि ये पहला मेरा लाइव सेशन था जहाँ पर आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट और uh, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स से uh, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शेयर करें पेरेंट्स तक पहुंचाएं, स्पेशली टीचर्स तक पहुँचाए जो सीबीएसई स्कूल में वर्क uh, करना uh, चाहते हैं और जो मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल होता है वो डिफ़र करता है आ, हर एक स्कूल का अपना एक मैनेजमेंट होता है जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आपका लीडर है सो so लीडर के स्ट्रेटजीज अलग अलग होते हैं लीडर uh, आपको अलग तरीके से गाइड करेंगे कोई अलग तरीके से बताएंगे लेकिन रिज़ल्ट आपका एक ही होता है डेवलपमेंट ओके एजुकेशनल डेवलपमेंट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और बच्चों का सही तरीके से ग्रोथ ओके सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीबीएसई स्कूल जो मैं आपको uh, बताना चाहता था आपके साथ शेयर करना चाहता था ओके okay? सो so, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा और जो टीचर्स हैं अगर टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करें और मुझे मेल करें कि इसमें और अच्छा क्या हो सकता है सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीवन दोज हु हैव अटेंडेड दिस सेशन और मैं uh, और भी सेशन्स ऐसे दूंगा लेकिन मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए और कंसिस्टेंटली uh, आपका कंसिस्टेंट uh, सपोर्ट चाहिए मुझे कि uh, आपको मैं नए नए टॉपिक्स पर रिसर्च करके आपको uh, इस टॉपिक पर uh, ज़्यादा इंफॉर्मेशन दूँ सो so, कल हमारा जो सेशन होगा वो सी बी एस ई क्लास टीचर पर होगा क्योंकि क्लास टीचर जैसे कि हमने इसमें आज देखा है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डिसिप्लिन और हाइजीन का जो वर्क होता है वो कोलेबरेटिवली क्लास टीचर्स के साथ ही होता है तो क्लास टीचर का जो रोल होता है सी बी एस ई स्कूल में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है तो क्लास टीचर एक बच्चे के ऊपर किस तरीके से वर्क करता है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए तो क्लास टीचर को कितना वर्क होता है क्या रोल वो प्ले करता है एक बच्चे को डेवलप करने के लिए वो मैं आपको कल के सेशन में बताऊंगा सो आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्राम दिस वीडियो आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो उसको आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक पहुँचाए ताकि जो नए टीचर्स बनना चाहते हैं उनको थोड़ा सा जो है इस वीडियो से सीखने को मिले सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इसको शेयर करिए और आपका कमेंट करना ना भूले प्लीज कमेंट एंड टेल मी हाउ वाज दिस सेशन थैंक यू एंड बी हेल्दी थैंक यू वेरी मच